ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंच तत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्य स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्यापन में, और हम पढ़ेंगे भगवद गीता के पहले अध्याय का 24-25 श्लोक। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि जब दोनों तरफ से शंखनाद हुआ उसके बाद अर्जुन ने अपना शस्त्र उठाया और फिर भगवान को आदेश दिया कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दीजिए ताकि मैं देख सकूं कि मेरे को किसके साथ युद्ध करना है। और इस दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की सहायता करने के लिए कौन कौन यहाँ पर समागत हैं एकत्रित हुए हैं। तो ऐसा वचन सुनकर आगे भगवान ने क्या किया उसका वर्णन संजय करते हैं यहाँ पर। संजय उवाच
एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। संजय ने कहा, हे भरतवंशी गुडाकेश, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर ऋषिकेश श्री कृष्ण ने भीष्म द्रोण और पृथ्वी के सभी शासकों के सम्मुख एवं दोनों सेनाओं के मध्य में उत्तम रथ को स्थापित किया और कहा, हे पार्थ, इन कौरवों को यहाँ एकत्रित हुए देखो। तो भगवान ने अर्जुन की आज्ञा का पालन किया। वास्तव में तो भक्त भगवान की आज्ञा का पालन करता है, लेकिन अभी भगवान का रोल दूसरा है। वो अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, तो वो उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इसलिए कहा कि जब उनको बोला गया, तो यहाँ दो शब्दों का प्रयोग है। भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग है ऋषिकेश। ऋषि का बोलते हैं इंद्रियों को, तो वो सबकी इंद्रियों के स्वामी हैं, यानी कि सबके नियंता वही हैं। लेकिन फिर भी वो नियंत्रित हैं, क्योंकि उनको नियंत्रण करने वाले हैं गुडाकेश। सो गुडाका बोलते हैं निद्रा को या अज्ञान को। तो जो जिसने अज्ञान को या नींद को जीत लिया है, वो भगवान को भी जीत लेता है, क्योंकि भगवान प्रेम चाहते हैं, भाव चाहते हैं, और अज्ञान से दूर जो है केवल उसी के द्वारा जाया जा सकता है जो भगवान का भक्त है। क्योंकि गीता में स्वयं भगवान कहेंगे कि दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतित। ये भगवान की माया है, और क्योंकि ये उनकी माया है, इसलिए इस माया से पार वो ही जा सकता है जो उनकी शरण में जाता है। तो इससे यही विदित होता है कि अर्जुन ने भगवान की शरणागति ली है, और इसलिए वो माया के पार हैं, और इसलिए वो भगवान को भी आदेश दे रहे हैं। तो ये तो पहले ही बताया गया था कि जब अर्जुन द्वारका गया था और वहाँ उसको ये निर्णय करने के लिए बोला गया था कि आप या तो भगवान की सेना ले सकते हैं या भगवान को ले सकते हैं, तो उन्होंने भगवान को चुना था। तो इसका मतलब वो भगवान को ही चाहता है और भगवान का भक्त है, क्योंकि भक्त और कोई नहीं चाहता। भक्त मुक्ति भी नहीं चाहता। दिए मानम अपि न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जिना, वो भगवान की सेवा ही करना चाहता है। तो ऐसे भक्त के लिए भगवान स्वयं शरणागत हो जाते हैं। क्या भागवत में बोलते हैं कि ऐसे भक्त के मैं पीछे पीछे चलता हूँ, ताकि मैं भी उसकी धूल से पवित्र हो जाऊँ। तो इससे ये भी हमको संदेश दिया जा रहा है कि आध्यात्मिक मार्ग पर आदमी को किस प्रकार सावधान रहना चाहिए, क्योंकि गुडाका का मतलब होता है असावधानी, निद्रा, तंद्रा, अज्ञान। तो उस पर विजय प्राप्त करनी है, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक मार्ग कोई खिलौना नहीं है। शरस्य धारा कवियो वदंती, उपनिषद में कहा कि ये ऐसा समझिए जैसे तलवार की धार है, तो बहुत सावधानी से बरतना पड़ता, नहीं तो कट जाएगा। तो इसलिए एक साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए कि वो गलती ना करे और नियमों का पालन करें। तो गुडाकेश शब्द से यही हमको इंगित किया गया है। और जैसा पहले पाठ में मैंने बताया कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ को स्थापित करने का मतलब है कि अपना अनुसंधान करना, अपने गुण दोषों का विश्लेषण करना। और वो वही कर सकता है जो गुडाकेश होगा, जो सावधान होगा, जो सेल्फ अवेयर होगा। तो इसलिए भगवान ने उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित किया। सैन्योर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो वास्तव में तो भगवान को उन्होंने रथ स्थापित ये कहा था कि मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करिए,
और भगवान को स्थापित करके चुप रहना चाहिए था, उनको बोलने के लिए तो नहीं कहा था ना, उनको तो यही कहा था कि रथम स्थापय मे अच्युत, सैन्योरुभ्योर मध्य रथम स्थापय मे अच्युत, योत्स्माना नवेक्षेयम् युद्ध कामान अवस्थितान तो यावदेतान निरीक्षेयम्। इतना ही कहा था कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, तो भगवान ने रथ खड़ा किया, लेकिन खड़ा करने के बाद में कुछ बोले भी, और यहीं से सारा सीन, सारा दृश्य एक दूसरा मोड़ ले लेता है। तो बोल वहाँ स्थापित करने के बाद में उन्होंने कहा कि पश्य एतान समवेतान कुरून, और रथ को खड़ा भी कहाँ किया, भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म और द्रोण के सामने सेना तो बहुत लंबे क्षेत्र में फैली हुई थी, कहीं भी खड़ा कर सकते थे, लेकिन उसको सीधा जाके खड़ा किया जहाँ भीष्म थे और द्रोणाचार्य थे, और बाकी राजा लोग भी थे, सर्वेशाम च महीक्षिताम। और रथ खड़ा करने के बाद में जो उन्होंने बोला वो बहुत भयंकर था, वो दिल को हिलाने वाला था वाक्य उनका। उन्होंने कहा पश्य एतान समवेतान कुरून, कि यहाँ पर जो एकत्रित कुरु लोग हैं उनको देखिए। तो दो चीज़ें हैं, एक तो उन्होंने इनको खड़ा किया भीष्म पितामह के सामने और द्रोणाचार्य के, और जैसा आप सभी जानते हैं कि अर्जुन जो है वो द्रोणाचार्य का पट्ट शिष्य था, और हालांकि भीष्म तो सभी का पितामह है, कौरवों का भी है, पांडवों का भी है, पांडवों में 5 भाई हैं, लेकिन भीष्म का विशेष प्रेम अर्जुन से था, और उसका मुख्य कारण है क्योंकि अर्जुन जो है सभी पांडवों में और कौरवों में भी सबसे महान धनुर्धर था। तो जैसे किसी परिवार में कोई किसी क्षेत्र में दक्ष है, और उस परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है और वो भी उसी क्षेत्र में दक्ष होता है, तो इस व्यक्ति की स्वाभाविक आसक्ति लगाव उस बच्चे से होगा जो उस क्षेत्र में भी दक्ष है। तो क्योंकि भीष्म बहुत बड़े धनुर्धर थे, अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, और अर्जुन भी उसी प्रकार था, इसलिए भीष्म का अर्जुन के प्रति बहुत लगाव था, बहुत प्रेम से उससे बात करते थे, और उनको कुछ गुरु भी सिखाए होंगे उन्होंने युद्ध क्षेत्र के लिए। स्वाभाविक है जो अपने परिवार में किसी क्षेत्र में किसी फील्ड में एक्सपर्ट है और दूसरा बच्चा भी उस फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहता तो उससे सीखेगा, तो अर्जुन ने भी कुछ ना कुछ तो उनसे सीखा ही होगा, भीष्म बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं। तो इसलिए दोनों में बहुत प्रेम था, बहुत प्रीति थी, पारिवारिक संबंध होने के कारण भी, और दोनों महान धनुर्धर योद्धा हैं इस कारण भी। तो इसको देखकर अर्जुन के हृदय में एक बदलाव आया, उसकी जो अपनी आसक्ति थी भीष्म के प्रति, और फिर कहा कि इन कौरवों को देखो, तो वो खुद भी तो कौरव ही है, वो ये कह सकता था कि इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखो, क्योंकि अभी तक जो शब्दों का प्रयोग किया गया था धृतराष्ट्र से दुर्बुद्धे, पहले भी कहा गया था कि धृतराष्ट्र नाम हृदयानी वदारयत, अभी भी वही शब्द का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन ये जो शब्द का प्रयोग किया कुरून, इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि भगवान ने ही अर्जुन के हृदय में ये आसक्ति प्रवाहित कर दी, ताकि उनको गीता बोलने का एक अवसर प्राप्त हो। तो इसको देखकर अर्जुन के हृदय में एक प्रकार का मोह पैदा हुआ, और उसी का वर्णन आगे किया जाएगा। तो प्राय करके हमारी आसक्ति, हमारे संबंध दो प्रकार के होते हैं, एक पारिवारिक संबंध होते हैं और एक विद्या संबंध होते हैं। तो यहाँ दोनों ही हैं, भीष्म जो है वो पारिवारिक संबंधी हैं और द्रोणाचार्य जो है वो विद्या संबंधी हैं, और दोनों ही इन संबंधों में श्रेष्ठ हैं,
पारिवारिक संबंध में भीष्म श्रेष्ठ हैं और आसक्ति के महान विषय हैं अर्जुन के लिए। दूसरे परिवारी जन भी हैं लेकिन भीष्म में उनकी ज़्यादा आसक्ति थी क्योंकि योद्धा होने के कारण, और द्रोणाचार्य उनके गुरु हैं और उनमें भी उनकी बहुत बड़ी आसक्ति थी क्योंकि उनके वो महान शिष्य हैं। तो ये स्वाभाविक है कि उनको देखकर उनकी आसक्ति जागृत हो गई। आसक्ति तो पहले ही सही थी लेकिन सामने आने से वो प्रस्फुटित हो गई। तो ऐसा होता है कि जिस प्रकार जिस चीज़ की आपकी आसक्ति होती है, मानो आपकी किसी चीज़ किसी वस्तु को खाने में आसक्ति है, तो आप कहीं जा रहे हैं किसी काम में व्यस्त हैं तो उस भोजन का दृश्य सामने आ जाए, उसकी सुगंध आपके नाक में चली जाए तो तुरंत आपके मन में भी इच्छा होगी उसको खाने की, क्योंकि आपका जो संस्कार है वो उद्वेलित हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, जागृत हो जाता है संस्कार। हमारे हृदय में संस्कार, अनेक प्रकार के संस्कार जो हैं वो सुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं, लेकिन वो किसी परिस्थिति में किसी परिस्थिति विशेष में हमारे संस्कार जो हैं वो जागृत हो जाते हैं। तो अर्जुन का भी यही हुआ, उनकी परम आसक्ति थी अपने गुरु में भीष्म में, तो इनको देखकर वो आसक्ति जो है वो जागृत हो गई, और उसी का वर्णन आगे के श्लोकों में किया जाएगा। और फिर ये आसक्ति जो है वो दूसरे लोगों में भी आ गई, क्योंकि केवल यही तो नहीं थे, उनके पारिवारिक जन भी थे वहाँ पर। तो उसी का वर्णन आगे किया गया है कि उन्होंने क्या देखा वहाँ पर, और उस देखने के बाद में उसका क्या प्रभाव उनके मन पर पड़ा, तो उसका वर्णन जो है वो आगे 26 और 27 श्लोक में है। तत्र पश्यत स्थितान पार्थ पितृनथ पिता महान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखींस्तथा स्वसुरान सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि। इसके पश्चात अर्जुन ने दोनों सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं को देखा, दादाओं को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों चचेरे भाइयों को, पुत्रों एवं भतीजों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को, सुहृदों को भी वहाँ उपस्थित देखा। तो वास्तव में जितने भी संबंध होते हैं हमारे पारिवारिक संबंध, वो सभी वहाँ पर उपस्थित थे, और दोनों तरफ के उपस्थित थे, पांडवों की तरफ से भी और कौरवों की तरफ से भी। तो संबंध एक अपने पिता के पारिवारिक संबंध होते हैं, एक अपनी माता की पारिवारिक संबंध होते हैं, शादी हो तो पत्नी के संबंधी होते हैं, और बच्चे हों तो उनकी शादी हो गई तो उनके भी संबंधी होते हैं। तो वो सारे ही वहाँ पर उपस्थित थे, तो सारे उपस्थित थे ये तो एक प्रसन्नता का कारण है, क्योंकि पारिवारिक जन सब एक साथ कहीं इकट्ठे होते हैं तो सब प्रसन्न होते हैं। लेकिन यहाँ पर वो उपस्थित थे एक दूसरे को मरने मारने के लिए, और यही बड़ी चिंता का विषय है। तो ये चिंता जो है वो अर्जुन के मन में घर कर गई, इसी चिंता से उसका मन उद्वेलित हो गया, इसी को लेकर वो विचार करने लगा कि हम करने क्या जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका किसी के प्रति कुछ द्वेष भाव रहता है, आप किसी पर क्रोधित हो जाते हैं परोक्ष स्थिति में, वो आपके सामने नहीं है और आप सोचते हैं कि जब मैं उसको मिलूंगा तो मैं उसको ऐसा कहूंगा, मैं वैसा कहूंगा, लेकिन जब वो व्यक्ति सामने आता है तो आपका मन थोड़ा बदल जाता है, आप उतने क्रोधित नहीं रहते जितने पहले होते हैं, क्योंकि विशेष तौर से अगर वो आपसे बड़ा है और आपका उसने कुछ उपकार किया है तो आप बहुत गुस्से में हों तो भी उतना नहीं कह पाते हैं। इसलिए आजकल देखा जाता है क्योंकि लोग मिलते कम हैं व्यक्तिगत रूप से और लिखते ज़्यादा हैं, तो इंटरनेट पर, ईमेल पर,
फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आप कुछ भी लिख दो, व्यक्ति सामने नहीं है। अगर वो व्यक्ति सामने होता तो शायद आप इतने कठोर या कटु शब्द ना कहते, उसको ना लिखते, पर क्योंकि वो सामने नहीं है तो आप बहुत कुछ लिख देते हैं और ये देखने में आता है। तो अर्जुन पहले, उसको मालूम था ये कोई नई बात नहीं है जिनको वो देख रहा है, ऐसा नहीं है कि इनको पहले नहीं देखा था, उसने सबको जानता है, सबको पहचानता है, तभी तो कहा ना कि इनको उन्होंने देखा तत्र पश्यत, इसका मतलब उनको सबको पहचानता है। और इस सब का विश्लेषण पहले ही हो चुका था युद्ध का, कि हमारी तरफ से कौन है अपने कैंप में जब वो थे, अपने शिविर में, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको पता नहीं था कि दूसरी तरफ कौन कौन है। दोनों तरफ की सेनाओं को पता ही था कि हमारे सामने कौन कौन है और हमारी तरफ कौन कौन है, तो उस समय उसको कोई मोह नहीं हुआ क्योंकि उस समय वो उसके सामने नहीं थे। अब उसको सामने आए तो उसके मन में एक मोह का भाव प्रकट हुआ और उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ये जो 27वां श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से गीता नया मोड़ लेती है। तान समीक्षा स कौन्तेय सर्वान् बंधून अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदम् अब्रवीत। कुंती पुत्र इन सब संबंधियों को युद्ध भूमि में अवस्थित देखकर अत्यंत कृपा से आविष्ट हो गए और विषाद भाव से ये वचन बोले। तो यहाँ ये बताया गया कि उनको देखने के बाद में उनका हृदय जो है वो कृपा से आविष्ट हो गया। तो ये कृपा जो है वो बंधुओं के लिए है क्योंकि हम दया करते हैं, दया और कृपा दो शब्द हैं संस्कृत में। तो दया होती है सामान्य रूप से और कृपा होती है संबंध विशेष से। जब आप किसी संबंध को मानकर किसी पर कृपा करते हैं, किसी का कुछ उपकार करते हैं तो उसको कृपा बोलते हैं, और जो सामान्य तरीके से किसी का आप भला करते हैं, कुछ उपकार करते हैं तो उसको दया बोला जाता है। तो यहाँ इसलिए कृपा शब्द का प्रयोग किया गया है कि उसका हृदय जो है वो कृपा से भर गया है इनके लिए, और इसलिए अब उनको बंधु कहा गया है यहाँ पर। इसी से थोड़ी देर पहले अर्जुन के ही अपने शब्द थे, जब रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित नहीं किया गया था तो उससे पहले उसी के ये शब्द थे, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षण। वही इन लोगों को धार्तराष्ट्र यानी कि धृतराष्ट्र के सहायक या दुर्योधन के सहायक और दुर्बुद्धि इनको बोल रहा था कि मूर्ख लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं लड़ने के लिए। तो जिनको वो पहले दुर्बुद्धि बोल रहा था उन्हीं को अब बंधु बोल रहा है। तो ये प्रायः हमारे जीवन में भी होता है कि आप दुर्बुद्धि जो है अपने परिवारजनों को ही बोलते हो, जो आपके मित्र हैं संबंधी हैं उन्हीं पर तो गुस्सा करते हो, आप किसी अजनबी व्यक्ति पे थोड़े गुस्सा करते हैं। आपकी दुश्मनी द्वेष भाव वो उन्हीं से होता है जिनके पास में आपका मित्र भाव रहता है, जो आपके पहले कभी प्रिय थे वही शत्रु बनते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अचानक ऐसे ही शत्रु बन जाता। तो ये द्वंद जो है राग द्वेष, ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। जैसे सिक्के में दो तरफ होते हैं, हेड एंड टेल, उसी प्रकार हमारा मन जो है इसमें द्वंद रहता है, जिससे राग करते हैं उसी से द्वेष भी करते हैं। जब राग रहता है उस समय द्वेष सोता है, फिर जब द्वेष उठता है तो राग सो जाता है, और ये क्रम चलता रहता है संसार में, यही होता है राग द्वेष इसी प्रकार चलता रहता है। तो पहले जिनको दुर्बुद्धि कहा उन्हीं को अभी बंधु बोल रहा है।
जिनको पहले शत्रु मान रहा था, उनको बोल रहा था मैं देखना चाहता हूँ कौन मेरे से लड़ने आया है, अभी उनके ऊपर कृपा करना चाहता और थोड़ी देर बाद फिर उनसे लड़ेगा। तो ये मानसिक स्थिति ऐसी रहती है व्यक्ति की। अब यहाँ विचारणीय वस्तु ये है कि दुर्योधन आया था, उसने भी देखा था और उसने देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर वर्णन किया सेनाओं का, और वो पूरे अपने निश्चय से है कि इनसे लड़ना है, तो उसका मन नहीं बदला। लेकिन दुर्योधन अर्जुन का मन बदला, उसने भी देखा, देखा तो दोनों ने एक ही, जैसे आदमी देखता है ऐसे ही देखा। तो यहाँ देखना, देखने में जो अंतर आता है वो हमारे भाव के कारण आता है। हमारे जितने भी संबंध हैं वो सब भाव, हमारे भाव पर ही आधारित हैं। भाव बदल जाएगा, संबंध बदल जाएगा। जिसको आज हम मित्र मानते हैं, उसके पति हमारा मित्र भाव है तो मित्र है, वो मित्र भाव बदल गया तो शत्रु बन जाएगा, फिर शत्रु भाव आ जाएगा। तो ये संसार जिसको हम भव बोलते हैं, ये भाव से ही चलता है। स्वभावो ही भव कारणम, संस्कृत में कहते हैं कि भव का जो कारण है, इस संसार में जो हम बद्ध हैं इसमें हमारा भाव ही कारण है। गीता में भी भगवान आगे कहेंगे, यम यम वापिस स्मरण भावम त्यजते अंते कलेवरम तम तम एवेति कौन्ते, सदा तद भाव भावित। हमारा संसार जो है वो भाव से ही चलता है, भाव राज्य में ही रहते हैं। किसको देख के प्रसन्नता होती है, किस में हम दुखी होते हैं, ये सब अपने भाव से ही चलता है। भाव बदल जाए तो सब कुछ बदल जाता है। आप किसी स्थिति में दुखी हैं, आपको सब कुछ गलत दिख रहा है, तो थोड़ा सा भाव बदल जाए वो अच्छा लगने लगता है। वही व्यक्ति जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, आपका भाव बदल जाए वो ही बहुत कठोर लगता है और उसी से घृणा हो जाती है, उसको आप देखना भी पसंद नहीं करते। कहते हैं ना, आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस, तुम्हारा मुख भी नहीं देखना चाहता हूँ। तो होता क्या है, देख आँखें तो वही हैं, आँखें तो वैसे ही हैं, जिस आँखों के ऊपर जो पिक्चर बन रही है, मैसेज अंदर जा रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। लेकिन अंदर जो हमारी भावना है उससे हम उसका अर्थ लगाते हैं। तो पहले एक परसेप्शन होती है, उसके बाद में फिर उसकी इंटरप्रिटेशन होती है, उसको हम फिर कंसीव करते हैं। पहले परसीव करते हैं फिर कंसीव करते हैं। तो कैसे उसको कंसीव करते हैं, वो हमारे अंदर क्या प्रोग्राम डाला हुआ है, किस प्रकार का भाव है, किस प्रकार के संस्कार हैं, तो उसके अनुसार फिर वो वस्तु वैसी दिखाई देने लगती है हमको। वस्तु में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन हमारा अंदर बदलाव आ गया, इसलिए वो वस्तु वैसी देखने लगती है। तो ये सब अपने भाव का ही खेल चलता है। तो इसलिए अब उसका भाव बदल गया और वो कृपा करके देखने लगा। तो अर्जुन, दुर्योधन का क्यों नहीं बदला, तो क्योंकि उसके अंदर उस प्रकार की कृपा नहीं थी, उस प्रकार की आसक्ति नहीं है। आसक्ति हर एक व्यक्ति की रहती है संसार में, लेकिन आसक्ति की गहराई, इंटेंसिटी अलग अलग रहती है। आसक्ति का दायरा, रेंज, वो भी अलग अलग रहता है। तो कुछ लोगों की आसक्ति जो है वो बहुत सीमित क्षेत्र में रहती है, और कुछ लोगों की आसक्ति का क्षेत्र बड़ा रहता है। तो जिनको हम बोलते हैं महात्मा, महान पुरुष, ग्रेट पीपल, उनका दायरा बड़ा होता है, और जिनको हम बोलते हैं दुरात्मा, स्वार्थी, उनका दायरा छोटा रहता है। और क्योंकि वो दायरा छोटा रहता है तो उनकी गहराई आसक्ति की इंटेंसिटी भी ज़्यादा रहती है, और इसलिए उसके बाहर वो कुछ देखते नहीं हैं, उसी में आसक्त होकर रहते हैं।
तो जैसे आपका प्रकाश का कोई केंद्र है, तो जितने आप उसके पास में रहेंगे वहाँ लाइट ज़्यादा रहेगी, दूर जाओगे तो कम हो जाएगी। तो उसी प्रकार आसक्ति जब ज़्यादा फैल जाती है तो वो कम रहती है। तो उसमें आप विचार कर सकते हैं तटस्थ होकर, क्योंकि जितना जितनी जितनी ज़्यादा हम अपनी आसक्ति से प्रभावित रहते हैं उतना हम तटस्थ होकर विचार नहीं कर सकते। फिर वो आसक्ति के माध्यम से देखता है ना आदमी। तो दुर्योधन अपनी आसक्ति के माध्यम से देख रहा था, तो इसलिए उसको शत्रु और मित्र यही दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उसकी आसक्ति अपने राज्य में है, अपने परिवारजनों में, उससे ज़्यादा आगे है नहीं। वो पांडवों को अपना भाई नहीं देख रहा है, शत्रु देख रहा है। हालांकि पांडवों ने उसका कोई अपकार नहीं किया है, उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, पर उसकी अपनी बड़ी आसक्ति है राज्य में, धन में, वैभव में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, तो इसलिए उससे आगे नहीं जाता वो, उसमें बहुत दृढ़ है वो, इसलिए वो विचार नहीं कर सकता। इसलिए आसक्ति दर भी जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है अंधी आसक्ति, अंधाशक्ति, इसको कभी कभी बोलते हैं ना अंधश्रद्धा, और दूसरी आसक्ति होती है जो उसके कुछ नेत्र होते हैं, विचारशील आसक्ति, वो व्यक्ति विचार करता है। और इससे ऊपर फिर एक आसक्ति होती है जिसको प्रेम बोलते हैं, तो वो तो आध्यात्मिक चीज़ है। तो जो सात्विक लोग होते हैं उनका हृदय बड़ा होता है, यानी कि उनका दायरा सोचने का बड़ा होता है, उनकी अटैचमेंट का दायरा बड़ा होता है। इसलिए बोलते हैं ना अयम निजो परवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधाएव कुटुंबकम। तो जो लघुचेतस, जो छोटे दिल वाले होते हैं, पैटी हार्टेड, तो उनका बहुत छोटे दायरे में ही होता है, ये मेरा है वो परा है, इसी में वो लगे रहते हैं। और जो उदार चरित होते हैं वो पूरी पृथ्वी का सोचते हैं। तो अर्जुन जो है वो उसी प्रकार का व्यक्ति है, और इसलिए उसका भगवान रथ हाँक रहे हैं। और ऐसे लोग ही आध्यात्मिक मार्ग में आ सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा आसक्ति से ऊपर उठ के, आसक्ति उसकी भी है लेकिन वो उसकी आसक्ति थोड़ी बड़ी है, वो केवल अपने भाई बंधु को ही नहीं सोच रहा है, जो उसके चाचा ताऊ मामा उनके बारे में भी सोचता है कि इनका क्या हो। तो है तो आसक्ति ही ये, लेकिन ऐसा व्यक्ति थोड़ा सुन सकता है। तो इसलिए अर्जुन जो है वो गीता का श्रोता है, जो दूसरे लोग हैं वो विचार नहीं कर रहे हैं इस प्रकार से। तो इसलिए यहाँ कहा गया कि कुंती पुत्र इन संबंधियों को युद्ध भूमि में अवस्थित देखकर अत्यंत कृपा से आविष्ट हो गए, और इस आवेश का कारण जो है वो ममता है। वास्तव में यहाँ कृपा जो है वो केवल ममत्व आसक्ति ही है, ऐसी कृपा नहीं है जिसको हम सोचते हैं कि भाई लोगों का भला करो ये करो, ये इसकी अपनी ही है। जब इसको आप गहराई से सोचेंगे तो ये भी हिंसा का कारण है, हिंसा का कारण ममत्व ही होता है, आसक्ति ही हिंसा का कारण होती है। जो आदमी की आसक्ति होगी वो अहिंसक नहीं हो सकता है। क्यों? जिस जहाँ पर आपका ममत्व होगा उसकी आप रक्षा करेंगे, और जो कोई आपके ममत्व पर आक्रमण करेगा उसके प्रति आप लड़ेंगे। जैसे दुर्योधन जो है उसका ममत्व, उसकी आसक्ति अपने पद प्रतिष्ठा, अपने परिवार में है, तो इसलिए वो पांडवों से लड़ रहा है। अर्जुन का दायरा बड़ा हो गया तो उनसे नहीं लड़ेगा, लेकिन अगर कोई बाहर से कोई एक तीसरी सेना आ जाए जो इन कौरव पांडवों से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है उनका, क्योंकि यहाँ तो सब संबंधों का नाम बताया ना, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई भाई है, कोई दादा है, पितामह, प्रपितामह तक। बाहलिक भी युद्ध में था, इस युद्ध में बाहलिक, सोमदत्त, भूरिश्रवा चार चार पीढ़ी लड़ रही थी। बाहलिक जो है वो शांतनु का भाई था, भीष्म के पिता का भाई, वो भी युद्ध में है।
बड़ा मज़ेदार है। तो उन सब का संबंध है इनसे, तो अब वो देख रहा है कि इन सब की मृत्यु हो जाएगी तो मैं तो समाप्त हो जाऊंगा फिर, क्योंकि हमारा जीवन जैसे मैंने कहा हमारे भाव या हमारी आसक्ति से ही चलता है। अगर हमारा आसक्ति का विषय ना रहे तो हम पागल हो जाएंगे। इसलिए आजकल के समाज में ये लोनलीनेस एक बहुत अकेलापन एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि लोगों के पास कोई संबंध ही नहीं है। वो पारिवारिक जो एक केंद्र होता था संबंध का वो ख़त्म हो गया है। इसलिए बोलते हैं ना न्यूक्लियर फैमिली। वो न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है? कोई फैमिली थोड़ी होती है, और उसमें भी कोई दृढ़ता नहीं है। चलो न्यूक्लियर ही रहे लेकिन उसमें कुछ दार्ढ्य तो हो ना, कुछ गहराई हो, वो भी नहीं है। आज हैं कल नहीं है, क्योंकि अब तो शादी भी नहीं करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप। तो जो लिव इन रिलेशनशिप है उसमें गहराई है या नहीं है कुछ पता नहीं चलता ना, क्योंकि उनका आपस में इतना भी कमिटमेंट नहीं है कि हम एक दूसरे को पति पत्नी माने। तो कभी भी अपना थैला उठा के चल सकते हैं ना आप, पहले से तैयारी रहती है, मेरा अकाउंट अलग आपका अकाउंट अलग, मेरी कार अलग आपका कार अलग। तो पहले से ही सबके मन में ये भाव रहता है कि कभी भी हम अलग हो सकते हैं। पहले जब शादी होती थी, जब लोग धर्म को मानते थे, एक बार शादी होगी तो ये विचार नहीं आता था कि अब इस व्यक्ति से हम अलग होंगे। तो हमारे यहाँ तो अब एक करवा चौथ आने वाली है अगले महीने, तो उसमें पत्नियाँ व्रत रखती हैं कि यही पति मिले मेरे को अगले जन्म में। तो विदेश से कोई स्त्री आई तो वो बहुत आश्चर्य हुआ, उसको पूछा कि व्रत किस लिए कर रही हो? कि मैं चाहती हूँ कि ये मेरा पति अगले जन्म में भी मेरा यही पति मिले। तो ये क्या मूर्खता है, कहता हमारे यहाँ तो चार बार पति बदलते हैं, तो आप अगले जन्म में भी इसी को चाहते हैं? तो उसने कहा नहीं नहीं हम मूर्ख नहीं है, आप मूर्ख हो। बोलो हमने इसको ट्रेन कर लिया है अभी, तो अगले जन्म में ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हर बार आपको नया पति मिलता है, हर बार आपको उससे उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उसके साथ में। हमारा तो एक बार हो गया, अब सात जन्म तक यही चलेगा, राइट? सो डेविल बेटर द डेविल यू नो देन द डेविल यू डोंट नो, अंग्रेजी में कहते हैं ना ये काम, कि वो असुर अच्छा है जिसको आप जानते हो, उसकी बजाय कि नया असुर मिले उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि संबंध इस प्रकार के रहते थे तो ये भाव नहीं होता था। अब संबंध इतने तरल हो गए हैं, फिकल हो गए हैं, तो इसलिए आदमी जो है वो उसको पता नहीं चलता मैं कहाँ पर हूँ। क्योंकि अगर आपको आपको भौतिक जीवन भी जीना है प्रसन्नता के साथ में, तो कम से कम आपके भौतिक संबंध तो अच्छे होने चाहिए। आध्यात्मिकता की बात छोड़िए, अगर आप भौतिक जीवन भी प्रसन्नता से जीना चाहते हैं तो प्रसन्नता तो संबंधों से ही आती है। अकेला आदमी प्रसन्न नहीं रह सकता। आप किसी आदमी को अकेला छोड़ दो, उसको बोलो आपकी जितनी भी इच्छाएं हम सब पूरी करेंगे लेकिन आपको किसी आदमी से नहीं मिलने देंगे, कोई संबंध नहीं बनाने देंगे, तो पागल हो जाएगा आदमी। इसलिए तो हाउस अरेस्ट करते हैं ना बड़े लोगों का, तो हाउस अरेस्ट में उनको कोई समस्या थोड़ी होती है। खाना पीना जो भी है, आप टेलीविज़न किसी से जो भी करना कीजिए, फिर उसमें क्या है? लेकिन वो अपने लोगों से मिल नहीं सकता है, उसके किसी से बात करने पर जो है प्रतिबंध लगा देते। तो यही उनके लिए एक दंड है, क्योंकि मनुष्य इसको बोलते हैं ना सोशल एनिमल, सामाजिक पशु है, यानी कि दूसरों से मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। इसलिए तो भगवान ने हमको बोलने की शक्ति दी है ताकि हम दूसरों से वार्तालाप कर सकें, वाद कर सकें, विवाद कर सकें, संवाद कर सकें, प्रतिवाद कर सकें, ये सब कर सकें। इसी में तो रस आता है ना, लड़ाई का भी तो रस होता है ना। तो वो रस आज समाज में समाप्त हो गए हैं, इसलिए बड़ी समस्या है। तो फिर लोग क्या करते हैं, जब वो परेशान हो जाते हैं कोई मिलता नहीं है तो फिर कुछ पियो खाओ पड़े रहो, सब्सटेंस यूज। तो ये समस्या है। तो कहने का मतलब ये है कि भौतिक जगत में
हमारी मटेरियल सोसाइटी में हमारी जो आइडेंटिटी, हमारा जो व्यक्तित्व होता है वो संबंधों के कारण ही होता है। कोई भी व्यक्ति होगा तो उसके संबंध होंगे, वो किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी का पति है, तो इन संबंधों से ही उसका व्यक्तित्व है। अगर आप इन संबंधों को निकाल दो तो आप क्या रह जाएंगे? अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हैं, आध्यात्मिक आदमी को तो कोई परेशानी नहीं है, उसका संबंध तो ऊपर भगवान से जुड़ा हुआ है, तो ये संबंध चले जाएँ तो उसको परवाह नहीं है। लेकिन जो भौतिक जगत में रहता है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, अगर उसके सारे संबंध आप हटा दो तो रह क्या जाएगा? इसलिए अगर किसी माँ का बच्चा मर जाता है तो केवल बच्चा नहीं मरता, माँ भी मर जाती है, क्योंकि माँ तो बच्चे के कारण ही माँ है ना। अगर बच्चा ही नहीं है तो माँ कहाँ है? वो फिजिकली चाहे रहे लेकिन उसकी जो एक आइडेंटिटी, उसकी एक जो पहचान माँ के रूप में थी, अब वो पहचान तो समाप्त हो गई है, वो माँ कहने वाला तो कोई रहा नहीं। इसलिए पति मरता है तो पत्नी भी मर जाती है, भाई मरता है तो दूसरा भाई या बहन वो भी मर जाता है, क्योंकि वो संबंध तो नहीं रहा ना। वो भाई किस लिए था? क्योंकि दूसरा अब उसका कोई है ही नहीं तो किसका भाई है। इसलिए हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारा जो व्यक्तित्व इस समय है समाज में, वो संबंधों के कारण है। तो अब आप ऐसा अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप एक मिनट में आपके सारे संबंध समाप्त हो जाएं तो आपको कैसा लगेगा? ये सारा संसार एक शून्य दिखाई पड़ेगा। आप चाहेंगे कि मैं भी मर जाऊं, आप जीवित रहना नहीं चाहेंगे। तो अर्जुन को वैसा ही हुआ। हमारे संबंधियों में अगर किसी एक संबंधी की मृत्यु हो जाती है तो हमको कितना दुख होता है उसका। वो वास्तव में जो दुख हमको हो रहा है वो संबंधी मरने का नहीं हो रहा है, वो हमको अपनी मृत्यु के कारण दुख हो रहा है। हम उतने हिस्से में हम भी मर गए इसलिए हम दुखी होते हैं। नहीं तो कोई पड़ोसी मर जाए जिससे आपका कोई संबंध नहीं है, उससे तो आपको कोई दुख नहीं होता, क्योंकि उससे आपकी मृत्यु नहीं होती है। तो इस तरह से हम विचार नहीं करते हैं और हमको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति इसलिए दुखी है कि इसका बेटा मर गया, इसका भाई मर गया, इसकी पत्नी मर गई, ये मर गया। नहीं, वो दुखी इसलिए नहीं है। वास्तव में दुख का कारण है कि उतने अंश में वो भी मर गया, इसलिए वो दुखी है। तो हमारा जो व्यक्तित्व है वो इन संबंधों का एक जोड़ है। जो भी कोई व्यक्ति है उसके जितने भी संबंध हैं तो उनकी एक प्रतिशत परसेंटेज है कि इस संबंध में मेरा इतना आसक्ति है और मेरा इतना व्यक्तित्व इसमें जमा है, मेरा इतना व्यक्तित्व इसके अंदर जमा है, मेरा इतना व्यक्तित्व इसमें जमा है और उससे जुड़ के मैं बना हुआ हूँ। इसलिए जब किसी से आप पूछते हैं तो वो यही बताएगा ना, मैं कौन हूँ। चलो अपना नाम बता देगा, उसके बाद में जो भी कुछ कहेगा वो किसी के संबंध कहेगा, उसका बेटा हूँ, उसका बाप हूँ, उसकी पति हूँ, उसका पत्नी हूँ, उसका भाई हूँ, उसका बहन हूँ, अपने राष्ट्र का संबंध बनाएगा, मैं अमेरिकन हूँ, मैं फ्रेंच हूँ, मैं इंडियन हूँ, वो भी तो संबंध ही है ना। तो नाम को छोड़ के आप जितना भी जो कुछ कहेंगे, आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो मैं वहाँ पर ये हूँ, वहाँ पर मैनेजर हूँ, ये भी बोलते हैं ना लोग, मैं जज हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, रिटायर हो गया तो रिटायर्ड हूँ, तो संबंध से ही आपका, आपकी पहचान उस संबंध से ही है। लेकिन अगर ये सारे संबंध अगर हटा दिए जाएँ तो आप क्या बचेंगे? कुछ भी नहीं, तो आप मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अर्जुन कहेगा कि मैं मरना पसंद करूँगा लेकिन इनसे नहीं लड़ूँगा, क्योंकि जब ये सब मर गए तो मैं क्या करूँगा? फिर मैं किससे बात करूँगा, किसको भाई कहूँगा, किसको बहन कहूँगा, किसको चाचा ताऊ, किसको बेटा, किसको कहूँगा? और अगर मैं ये नहीं कह सकता तो मेरे जीवन में क्या आनंद रह जाएगा? तो इसलिए अर्जुन बहुत बड़ा संकट अर्जुन देख रहा है, क्योंकि इतना बड़ा संकट किसी के जीवन में आता नहीं है। किसी के जीवन में एक आदमी मर जाएगा, दो मर जाएगा, सारे ही मर जाएंगे क्या? जितने भी लोगों को जानता है वो सबकी एक साथ मृत्यु, वो देख रहा है कि ये तो सब मर जाएंगे अभी, तो फिर मेरा क्या होगा? तो ये है वास्तव में गीता की
जो मूल समस्या, क्योंकि यहाँ के बाद में जब भगवान दूसरे अध्याय में बोलेंगे तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि तो आप ये शरीर नहीं है। तो वास्तव में देखा जाए तो लगता है कि भगवान ये बोल क्यों रहे हैं, इसकी संगति क्या है। हमारे शास्त्र में संगति बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग शास्त्र की व्याख्या करते हैं, जो टीका टिप्पणी कमेंट्री लिखते हैं, उनका एक काम होता है ये बताना कि इस श्लोक की आगे वाले श्लोक से क्या संगति है, इस अध्याय की उस अध्याय से क्या संगति है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर असंगत कुछ नहीं होता है। जो कोई विज्ञ व्यक्ति होता है, विद्वान व्यक्ति होता है, वो असंगत बात नहीं करता है। सो कोविदारान आचस्टे आम्रान, आम्रान पृष्ठे कोविदारान आचस्टे। किसी ने पूछा तो आम के लिए था, अमरूद की बात करता है, ऐसी एक कहावत है संस्कृत। मैं पूछ आपसे रहा हूँ आम के बारे में, आप मेरे को व्याख्या कर रहे हैं अमरूद के बारे में, तो ये असंगत हो गया ना। तो यहाँ असंगत कुछ नहीं है, तो ये संगति लगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप ये संगति नहीं लगाएंगे तो गीता समझ नहीं आएगी आपको। आपको ये समझ नहीं आएगा कि भगवान बोल क्या रहे हैं, अचानक ये क्यों बोलने लगे। तो इसलिए इसको समझना जरूरी है कि जड़ क्या है, समस्या की जड़ क्या है। तो समस्या की जड़ है ये ममत्व, और सारी हिंसा का कारण यही है। और जब तक आपका कहीं भी ममत्व रहेगा तो हिंसा रहेगी ही, और जब तक आपका अपने शरीर में ममत्व है तो कहीं ना कहीं तो ममत्व रहेगा ही आपका। इसलिए कोई भी अहिंसक नहीं हो सकता। तो जब तक आप इसलिए भगवान गीता यहीं से चालू करते हैं कि आप आत्मा हैं, आप शरीर नहीं, ये है उनका रहस्य। और फिर वो बताते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को भी मार दूं, नहीं, वो समझा रहे हैं कि इसका कारण क्या है। अर्जुन का जब आप वाक्य सुनेंगे तो आम आदमी को ये नहीं लगेगा कि अर्जुन कुछ गलत बोल रहा है, बल्कि ये लगेगा अर्जुन तो बहुत ठीक बोल रहा है, और ये भगवान क्या पाठ पढ़ा रहे हैं। अब वो भगवान है इसलिए आदमी कहता नहीं है, लेकिन अंदर विचार यही आता है। जो भी गीता पढ़ता है उसका पहले विचार ये है, अर्जुन तो बहुत सही बात बोल रहा है, और ये भगवान तो कुछ उल्टा ही पट्टी पढ़ा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, भगवान उसकी बात की गहराई तक जा रहे हैं। और क्योंकि हम अर्जुन की तरह हैं, क्योंकि हमने पहले कहा ना कि अर्जुन हम ही हैं, ये समस्या जो अर्जुन की है वो हमारी समस्या है, लेकिन क्योंकि हम उस समस्या को समस्या नहीं मान रहे हैं तो इसलिए हमको समाधान भी समझ नहीं आता है। जब हम समस्या को समस्या नहीं समझेंगे तो उसका समाधान कैसे समझ आ जाएगा, और उस समाधान को हम क्यों ग्रहण करेंगे। तो आज समाज में यही समस्या है कि आदमी समस्या को ही समाधान मान रहा है। अर्जुन तो भगवान को कहेगा कि मेरे को आप उपदेश दो, आज हर एक आदमी गुरु हो गया है, वो ये मानता ही नहीं है कि मेरे पास समस्या है। वो समस्या को कहता, हाँ यार ये तो चलता ही है भाई, ये तो जीवन में होता ही है यार, कोई मरता तो दुख तो होगा ही, क्या दुख नहीं होगा तुम्हारा कोई मर जाएगा तो अब वो क्या है कि वो समस्या का समाधान नहीं ढूंढ रहा है, वो समस्या को उसने एक्सेप्ट कर लिया है। तो जब आप समस्या को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर आप दुखी रहेंगे हमेशा, क्योंकि समस्या तो जाएगी नहीं। अगर आप बीमार हैं, समझिए कि आपको बुखार है, और फिर कोई कहे कि यार बुखार तो होता ही रहता है, उसमें क्या है, ये तो सभी को होता है, ऐसा कोई है जिसको बुखार नहीं होता है? आप किसी को जानते हैं ऐसा जिसको बुखार नहीं होता? ये क्या बड़ी बात कह रहे हो आप। तो जब अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो फिर मैं बुखार का तो इलाज नहीं करूँगा, और बुखार से फिर मैं दुख उठाता रहूँगा। तो आज यही स्थिति हो गई है कि हमारी जो रूट कॉज है, जो मूल कारण है हमारी समस्या का, दुख का, वो ये आसक्ति, ये राग द्वेष, जिसको योग सूत्र में कहा अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश, यही क्लेश हैं जीवन के। बहुत अच्छी तरीके से पतंजलि जी ने योग सूत्र में बताया, भगवान भी बताएंगे वही चीज़ यहाँ बहुत विस्तार से बोलेंगे, लेकिन इसको समझना है तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि
ये समझ में आती नहीं है और हम इसके विरोध में बात करेंगे, क्या बोल रहे हो आप, आसक्ति तो होनी चाहिए, फिर परिवार कैसे चलेगा, बाप माँ बाप बच्चे का पालन कैसे करेंगे अगर आसक्ति नहीं होगी तो। संसार तो आसक्ति से ही चलता है ना, और ये बात भी सही है, आसक्ति नहीं होगी तो अगर गाय के बछड़े में आसक्ति नहीं है तो दूध नहीं पिलाएगी। कई बार ऐसा होता है, गाय होती है बछड़े को पास में ही नहीं आने देती, लात मारती है तो मर जाएगा। तो ये एक पक्ष है, इसका दूसरा पक्ष है कि सारी समस्याएं भी इसी से आती हैं, उसको हम नहीं देख पाते हैं आसक्ति के कारण। मैंने कहा ना कि आसक्ति एक अंधापन लाती है, आसक्ति एक कमजोरी पैदा करती है हमारे अंदर, विचार की कमजोरी, हमारी समस्याओं से लड़ने की कमजोरी, वो आसक्ति से आती है। तो उसको हमें समझना होगा, जब तक हम उसको समझेंगे नहीं हम आनंदपूर्ण जीवन नहीं जी सकते। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी नौकरी छोड़ के वृंदावन आना है या आपको अपना परिवार त्याग करना है, वो आसक्ति को हटाना है, आसक्ति को पहले समझना है, उसके बाद में भी आप भगवान का भी तो परिवार था। तो जैसे मैंने कहा ना कि एक अंधी आसक्ति होती है, एक आँख वाली आसक्ति होती है, और एक अनासक्त व्यक्ति होता है, वो भी कैसे रहता है, वो भगवान है। तो यहाँ तीन व्यक्ति हैं, एक दुर्योधन है, एक अर्जुन है और एक कृष्ण है। तो दुर्योधन के बारे में आपने देख लिया वो किस प्रकार का है, अर्जुन दूसरे प्रकार का व्यक्ति है जो विचार करता है, और विचार वाला आदमी हमेशा तनाव में रहता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, या तो आप अंधे बन जाओ दुर्योधन की तरह, क्योंकि अंधे का पुत्र है ना वो, इसलिए तो बहुत अच्छा है ये महाभारत का जो प्लॉट है, ये बड़ा मज़ेदार है। उसका अंधापन वास्तव में फिजिकली हो या ना हो, ये वो अंधापन जो है वो अंदर वाला अंधापन है, विचार का अंधापन है, और वही असली अंधापन होता है। नहीं तो सूरदास बहुत बड़े भक्त हुए अंधे होने के कारण भी, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये अंदर वाली आँख हमको चाहिए, जिसको बोलते हैं ना तीसरा नेत्र, उसका महत्व है। तो ये तीसरा नेत्र नहीं है, अर्जुन विचार करता है इसलिए समस्या में, तो समस्या का हल यही है, या तो दुर्योधन बन जाए विचार बंद करे, या भगवान कृष्ण की तरह निर्विचार इस आसक्ति से ऊपर वाली स्थिति में आ जाए। तो भगवान का भी परिवार था, 16108 रानियां थी, 10-10 पुत्र पैदा किए, इतना तो कोई कर नहीं सकता। तो आपके एक पत्नी और 2-4 बच्चे होंगे, तो उनको छोड़ने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन भगवान ने दिखाया कि इतना बड़ा परिवार होकर भी मैं अनासक्त होकर, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी को नेग्लेक्ट किया, किसी की देखभाल नहीं की, सबको पढ़ाया लिखाया, सबको योग्य बनाया, लेकिन जब चलने लगे तो सबको छोड़ के गए। तो ये प्रेम प्रीति अलग चीज़ है, और ये दया कृपा आसक्ति ममता ये अलग चीज़ है। ये जो संसारिक प्रेम जिसको हम बोलते हैं, शब्द तो वही है, इसमें क्रिया प्रधान और शब्द प्रधान रहता है, और जो इससे परे वाला प्रेम है, जो आध्यात्मिक प्रेम है, उसमें भाव प्रधान रहता है, जो मैंने पहले कहा था। इसलिए यहाँ आप किसी से प्रेम करते हैं तो एक तो उसको बोलना पड़ेगा, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, बहुत ज़रूरी है आजकल इसको बोलना, आई लव यू। तो उस पर तो रिसर्च किया कि दिन में 4-5 बार कही है इसको, तो आपका संबंध बना रहेगा, नहीं तो संबंध खत्म हो जाएगा। इसलिए और क्रिया, कुछ गिफ्ट देते रहो तो लगेगा कि हाँ प्रेम करता है। तो अगर आपने किसी को रोज़ देने हैं, रोज़ फ्लावर, गुलाब के फूल, तो ऐसे नहीं कि एक दिन में 30 दे दो, नो, रोज़ एक एक दो। वो कहेगा यार एक बार में ही दे देता है, कोई मैथमेटिकल आदमी होगा तो पूरे महीने का एक दिन में दे देता हूँ मैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्रिया रोज़ होनी चाहिए, शब्द रोज़ बोला जाना चाहिए। और भगवान को कहते हैं भावग्राही जनार्दन, वो भाव के भूखे हैं, वो तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेच्छति, भक्त्या उप्रेतम अश्नामी ते प्रियतात्मन। तो फूल भी ले आए, पत्ता भी ले आए, भाव से भक्ति से उसको ग्रहण कर। तो आध्यात्मिक जगत में भाव महत्वपूर्ण है और भौतिक जगत में क्रिया और शब्द।
क्योंकि ये बाहरी है ना, ये अंदर वाला प्रेम नहीं है, बदल जाता है, इसलिए वो बदलता नहीं है, क्योंकि बदलेगा कहीं, अंदर तो भाव ही बैठा हुआ है। तो इस पे फिर और विचार करेंगे, अभी किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और आगे जो भी आएगा उसमें भी बहुत विचार होगा, तो कोई प्रश्न हो तो पूछिए। यस नवदीप जी पूछ रहे हैं बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, क्या आप इसके ऊपर थोड़ा बात कर सकते हैं? जब तक हमारा आसक्ति रहता है तब तक हम सुखी नहीं रह सकते, ये हमारे प्रैक्टिकल दैनिक जीवन में कैसे देखा जाए और दूसरों के साथ बर्ताव में कैसे महसूस किया जाए? तो इस पे तो पूरी गीता ही आएगी, ये कोई छोटा मोटा विचार नहीं है, पूरा दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय भगवद गीता का इसी पर चलता रहेगा। लेकिन शॉर्ट में यही है कि आसक्ति जो है वही मूल कारण है, अज्ञान ही तो मूल कारण है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जनतव, और अज्ञान क्या है? अपने स्वरूप का ज्ञान है शॉर्ट में। इसलिए मैंने कहा ना, भगवान सबसे पहले यही बताएंगे कि आप हो कौन, और ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हमें अपना पता नहीं है कि हम हो कौन, हम अपने आप को जो है इन सब से आइडेंटिफाई करके बैठे हुए हैं इन संबंधों से, लेकिन वो तो है नहीं, और वो चले जाएंगे तो वही तो दुख का कारण है। आपकी किसी में आसक्ति है, और वो जो आसक्ति का विषय है वो अनित्य है, टेम्प्रेरी है, वो तो जाएगा ही। इस पर मैंने पहले भी बोला था कि हर चीज़ टेम्प्रेरी है, तो जब वो विषय चला जाएगा तो आपको दुख होगा, आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, या कोई उस विषय का हानि पहुंचाता है तो आपको कष्ट होगा, तो यही सब कष्ट का कारण है। लेकिन जब आप जान जाएंगे कि ये वास्तविकता में ये नहीं है, इसके ऊपर कुछ है, तो फिर आप उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन अगर वो चला जाएगा तो आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि उसको तो जाना ही था। इस संसार में आपके पास में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपसे दूर नहीं होगी, ये तो निश्चित है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। अब जो चीज़ जाएगी उसमें आप अपनी आसक्ति बना के बैठ जाओगे तो आपको तो दुखी होना ही पड़ेगा, उसी से विषाद होता है। इसलिए हर एक आदमी विषाद में जाता है। गीता क्यों विषाद योग से आरंभ हुई है? क्योंकि ये सत्यता है इस संसार की, और इससे दूर करने के लिए भगवान उपाय बताते हैं, तो वो सब वर्णन आएगा आगे गीता में। और कोई प्रश्न? मोहिनी जी पूछ रहे हैं बाबा जी, दुर्योधन के ऊपर एक प्रश्न था, क्या यह सच है कि योग माया के प्रभाव से वो प्रकट लीला में एक पात्र किए, पर दुर्योधन सत्य में नित्य परिकर है कृष्ण भगवान? ये इस प्रकार के प्रश्न का कोई प्रयोजन नहीं है मोहिनी, कोई प्रयोजन नहीं है। जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको तो आप समझ नहीं रही हैं। चलो मान लो वो नित्य परिकर है, तो इससे क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? अर्जुन नित्य परिकर है, अर्जुन भी तो नित्य परिकर है, और मानो वो नित्य परिकर नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है उसको समझना कि क्या हो रहा है, गीता क्यों बोली गई है। तो इस ठीक है वो नित्य परिकर है, मैं बोलता हूँ नित्य परिकर है तो क्या हो गया, इससे आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है? और कुछ है? शैलेश जी पूछ रहे हैं बाबा, प्रणाम बाबा जी, अगर किसी को अपने रिश्तेदारों से कोई आसक्ति नहीं है तब क्या ऐसे रिश्तों का प्रभाव घटता नहीं है? क्या मतलब? मानिए रिश्तों का शक्ति घटता नहीं, इंटेंसिटी बोल रहे हैं, तो क्या शक्ति, आसक्ति कम हो जाएगी तुम्हारी, और क्या रिश्तों का शक्ति क्या है? वो शक्ति रिश्ते की क्या शक्ति होती है, क्या शक्ति है? उनका पूछना है कि अगर आसक्ति नहीं रखते रिश्तेदारों से तो ऐसे जो रिश्ते रहते हैं उसका शक्ति घटता नहीं है, पूछ रहे हैं बस। तो वही मैं पूछ रहा हूँ ना, शक्ति से क्या मतलब है आपको, रिश्ते का शक्ति क्या होता है?
तो एक इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि ये दिमाग में ये बार बार यही आता है, यही मैं बताने के प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन इसको समझना कठिन होता है। एक होती है आसक्ति, एक होता है प्रेम। मैं आसक्ति शब्द क्यों प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि हम संसार में आसक्ति शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, हम प्रेम शब्द का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं आसक्ति और प्रेम इनको अलग अलग समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्रेम जो है वो भगवान से है, और संसार में जिसको आप प्रेम बोलते हो उसको मैं आसक्ति बोल रहा हूँ, क्योंकि वो वास्तव में आसक्ति है, अटैचमेंट है, मेटेरियल अटैचमेंट। तो वो जो मेटेरियल अटैचमेंट है वो दुख का कारण है। तो उसको आप अगर अपने रिश्तेदारों से हटा दोगे और आपका प्रेम होगा, तो आपका रिश्तेदारों से संबंध जो है वो प्रेम से होगा, ना कि आसक्ति से। लेकिन वो प्रेम तभी संबंध संभव है जब आप भगवान को बीच में लाएंगे, क्योंकि भगवान से ही प्रेम हो सकता है। फिर आप जितने भी रिश्तेदार हैं उनको आप देखेंगे कि ये भी भगवान के ही अंश हैं, और भगवान ने ही मेरे को इनको मेरा रिश्तेदार बनाया है, चाहे मेरा बाप हो, बेटा हो, पत्नी हो, भाई हो, भगवान ने मेरे को दिया, तो फिर मैं उनको भगवान की दृष्टि से देखूंगा। तो अब मैं उनमें आसक्ति नहीं करूंगा, प्रेम करूंगा। अगर उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती तो मैं सोचूंगा भगवान ने दिया था, भगवान ने ले लिया। जब भगवान ने दिया था तो मेरे को कोई पर समस्या नहीं आई, अब भगवान ले रहे हैं तो अब क्यों मैं सब दुखी होता हूँ। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते हैं, जब दिया था तो मेरे प्रयास से पैदा हुआ, हमने पैदा किया, पाला, अब चला गया तो भगवान ने ले लिया, ऐसे ही बोलते हैं ना, वाई गॉड डिड दिस टू मी। तो इसलिए इसको आप समझिए कि ये जो भौतिक प्रेम है, सांसारिक प्रेम है, ये वास्तव में प्रेम नहीं है, ये आसक्ति है, और इसका मूल अविद्या है, इग्नोरेंस है, अज्ञान है, और अज्ञान से कभी आदमी आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। और जो प्रेम है वो भगवान की शक्ति है। तो आप अपने परिवारजनों से आसक्ति कर सकते हैं या प्रेम कर सकते हैं। आसक्ति आपको दुख लाएगी, प्रेम आपको आनंद देगा, यही है मैं कहना चाह रहा हूँ। इन दोनों में आपको अंतर समझना होगा। जब तक ये अंतर समझ में नहीं आएगा तब तक मन में इस प्रकार के प्रश्न आते रहेंगे। वेदांत जी पूछ रहे हैं, बाबा जी अगर वेस्टर्न लोगों को बचपन से ही अलग धर्म पढ़ाया जाता है, तो अगर वो लोग दूसरे धर्म का पालन करें तो वो उनका धर्म हुआ, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मैं कब कह रहा हूँ उनका दोष है, मैं तो बता रहा हूँ कि उसका असर क्या होता है। मैं किसी धर्म में कोई दोष नहीं बता रहा। मेरा मतलब था कि अगर वो मांस मछली खाते हैं तो फिर ऐसे वो ऐसे कार्य करते हैं जो हमारे धर्म में अनुचित है, तो फिर अगर उससे उन्हें पुण्य नहीं और पाप मिलता तो फिर इसमें उनका क्या दोष है अगर वो अपने धर्म का ही पालन कर रहे हैं। क्योंकि उनके धर्म में भी लिखा हुआ है जीवों पर दया करना, वो धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, धर्म का कोई पड़ता नहीं है। ये तो कह देते हैं कि हम तो दूसरे धर्म के हैं। आप अपने ऊपर लगाइए ना कि आपके समाज में, आपके क्लास में आप स्टूडेंट हैं, कितने लोग धर्म पढ़ते हैं, और उनके माँ बाप कितने लोगों ने धर्म पढ़ा हुआ है, और कितने लोग अपने बच्चों को धर्म पढ़ाते हैं। और भारत तो धार्मिक देश है, दूसरे देशों में तो इतना भी नहीं है। तो ये कहने वाली बात है कि वो उनका अपना धर्म है, वो धर्म वर्म किसी का नहीं है, सब बकवास है। मोहिनी जी पूछ रही है, बाबा जी मेरे प्रश्न का प्रयोजन यह था कि अगर दुर्योधन नित्य परिकर है, क्या ये दैन्य भाव बढ़ा नहीं सकता है? जैसे कि कोई आदमी दुर्योधन के ऊपर दैन्य भाव प्रकट कर सकता है, जैसे कि वो एक नित्य परिकर है पर सिर्फ एक पात्र निभा रहा है वो, तो क्या दैन्य इस ज्ञान का प्रयोजन बन सकता है? किसका दैन्य है? दुर्योधन के ऊपर दैन्य तो कर लो दुर्योधन के ऊपर, मैं मना कर रहा हूँ क्या? यू प्रेज दुर्योधन एंड बी हैप्पी विद दैट, आई एम नो प्रॉब्लम, आई एम नॉट एनिमी ऑफ दुर्योधन, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द मेंटेलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, दैट दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स आर, दिस इज व्हाट वाज। ये दुर्योधन दुर्योधन से क्या प्रयोजन है? मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, ना दुर्योधन से प्रयोजन है, ना अर्जुन से प्रयोजन है,
मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि गीता क्या हमको बता रही है। अब दुर्योधन के ऊपर कृपा करो, दुर्योधन की मूर्ति बना के उसकी पूजा करो, मेरे क्या समस्या। वो फिर क्लैरिफाई कर रहे हैं माता जी कि नहीं, खुद के ऊपर दैन्य भाव, क्योंकि मैं दुर्योधन की जैसा हूँ और मैं भी एक बद्ध जीव हूँ। तो फिर मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो आप? आप मेरी बात तो सुनते नहीं हो और अपनी कहानी चलाते रहते हो। आप बद्ध जीव हो तो उसी को तो मैं बता रहा हूँ, फिर दुर्योधन को क्यों लाती हो, अपनी बात क्यों नहीं करते हो आप? व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ दुर्योधन देन? दिस इज कॉल्ड डिविएटिंग, यू नो। फर्स्ट यू टॉक अबाउट दुर्योधन, व्हेन आई से दुर्योधन इज नॉट द पॉइंट, देन यू से नो नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दुर्योधन, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। तो शुरू से ही तुम अपनी बात क्यों नहीं करते? Why don't you bring your own issue from the very beginning? पहले से क्यों नहीं बोलते आप? काहे को दुर्योधन नित्य परिकर है, उस पर दैन्य करो, इस पर ये करो, उसका क्या प्रयोजन है? तो कम से कम प्रश्न पूछो, तो पहले पूछो कि मैं किस लिए प्रश्न पूछ रही हूँ, मेरा प्रयोजन क्या है, मेरा आर्टिकल पढ़ो, क्वेश्चन द क्वेश्चन, और उसको अच्छी तरह से पढ़ो। क्योंकि ये गीता में आप यही देखेंगे, अर्जुन भी अगर ऐसे उठपटांग प्रश्न पूछता रहता तो गीता थोड़ी होती, भगवान उसको बोलते चलो छोड़ो घर जाओ तुम्हें। तो प्रश्न पूछो जिनका कोई प्रयोजन हो, जिनका कोई प्रयोजन नहीं है ऐसे प्रश्न पूछने से क्या होता है? उत्कर्ष जी पूछ रहे हैं, राधे राधे महाराज, आपने बोला जो महान पुरुष होते हैं उनका आसक्ति का क्षेत्र बड़ा होता है, हमारा क्षेत्र बड़ा होने से क्या अर्थ है? क्या इससे भटकाव नहीं होगा? नहीं, होता है, मैंने कब मना किया। जैसे महात्मा गांधी हैं तो वो केवल अपने परिवार में आसक्त नहीं है, देश के लिए काम किया। मैंने तो एक उदाहरण दिया कि वो ज़्यादा ऊपर उठ के सोचते हैं। समस्या तो अर्जुन की भी है ना, मैंने दुर्योधन और अर्जुन के बारे में बताया, तो बोलता है अर्जुन, दुर्योधन की भी आसक्ति है, अर्जुन की भी आसक्ति है, लेकिन अर्जुन की आसक्ति का क्षेत्र बड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी आसक्ति नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भटकाऊ नहीं है, वो भी भटक रहा है, भगवान उसका भी समाधान देंगे। लेकिन दुर्योधन तो समाधान तक ही नहीं पहुँचेगा, दुर्योधन के लिए समस्या ही नहीं है। जैसा मैंने कहा कि आजकल के लोग हैं, उनके मन में इस विचार ही नहीं आएगा कि यहाँ कोई समस्या है। अर्जुन के मन में विचार आ रहा है, इसलिए वो पूछेगा, भगवान को छोड़ेगा नहीं। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव है, इतना सब प्रवचन करने के बाद भी वो फिर कहेगा कि नहीं, मेरी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो रही है, धर्म सम्मूढ़ चेता। तो इसके लिए एक धैर्य चाहिए, एक दृढ़ता और वीरता चाहिए। ये अर्जुन को जो वीर कहा जाता है, वो बाहर लड़ने वाला वीर तो है ही, लेकिन अज्ञान से भी लड़ने के लिए तैयार है वो। उसने केवल ऐसे ही स्वीकार नहीं कर लिया, अपना जो कुछ बोल रहा है वो उससे भी सहमत नहीं है। और जब भगवान बोलते हैं तो उसको भी ऐसे ही स्वीकार नहीं कर लेता है वो, पूछता जाता है, पूछता जाता है, पूछता जाता है, जब तक उसकी समझ में नहीं बैठता। तो इसलिए मैंने जो कहा कि जो बड़े लोग होते हैं जिनको हम महात्मा कहते हैं, वो एक भौतिक दृष्टि से, वास्तविक महात्मा तो वही है जो भगवान का भक्त होता है, क्योंकि वही असली गहराई तक जाता है। उत्कर्ष जी फिर से पूछ रहे, महाराज हमें बहुत भटकाव होता है, इससे कैसे डील करें? इससे डील करने के लिए गीता को सुनते रहिए। इस मैंने बार बार बोला है कि इसी का समाधान गीता में आएगा, भटकाव का ही, ये भ्रम भटकाव का। अभी तो भगवान ने बोलना ही चालू नहीं किया, अभी तो हम समस्या को विश्लेषण कर रहे हैं, समस्या क्या है। तो पहले समस्या को समझिए, समस्या की गहराई तक जाइए। अभी आप समस्या को नहीं समझे हैं, अगर आप समस्या को नहीं समझेंगे, ऊपर ऊपर से कहेंगे अच्छा आसक्ति नहीं, इस पर विचार कीजिए कि वास्तव में आसक्ति कहाँ है, अपनी आसक्ति को ढूंढिए, मेरी आसक्ति कहाँ पर है, बैठ के शांत मन से कहाँ मेरा मन जाके डूबता है, किसके जाने से मेरे को दुख होता है, किसके आने से मेरे को सुख होता है, इसको समझिए।
क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक भगवान की बात आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं इस पर इतना समय दे रहा हूँ। और अभी चले गई, अभी तो पहले अध्याय में अभी तो अर्जुन बोलेगा, तो इसको बहुत गहराई से समझना आवश्यक है। मैं वही उदाहरण फिर देता हूँ, किसी को बुखार हुआ, लेकिन बुखार भी तो अनेक प्रकार के होते हैं ना, वायरल फीवर, डेंगू फीवर और कितने हे फीवर, बर्ड फ्लू, ये वो, तो खाली बुखार कहने से ही काम नहीं चल जाएगा। अभी उसकी गहराई में जाओ, कौन सा बुखार है, किस कारण से है, तो उसके अनुरूप फिर दवाई दी जाएगी। तो इस पर थोड़ा शांत चित्त से विचार कीजिए उत्कर्ष जी, तभी आपका उत्कर्ष होगा। पहले देखिए कि आपका अपकर्ष किस कारण से है, क्योंकि आपका नाम उत्कर्ष है, आपको उत्कर्ष ही प्राप्त करना है। क्यों अपकर्ष में रहना, तो इस पर अच्छी तरह से विचार कीजिए। अभी चलेगी ये तो चर्चा चलेगी, अभी बहुत दूर तक चलेगी। सुजनी यू कैन ट्रांसलेट। Haribol, Bhagavati has a question. What does it mean to practice, to visualize family in relation with Bhagavan? I said, मैंने उसका उत्तर दिया था पहले। प्रश्न यह है कि परिवार को भगवान के संबंध में कैसा देखना है, तो मैंने उत्तर दिया था कि हर चीज़ का केंद्र भगवान है, हर चीज़ भगवान से ही आई है। गीता में भगवान कहेंगे अहम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्वम प्रवर्तते, और सब भगवान की ही है, लेकिन हम उसको अपना मान लेते हैं। ये मेरा घर है, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा देश है, लेकिन मेरा कहाँ से आ गया है? अभी जब आपका शरीर चला जाएगा तो मेरा सब खत्म हो जाएगा, लेकिन भगवान तो सदा है और सब कुछ भगवान का ही है। तो उसको ये इस दृष्टि से देखना है कि सब भगवान का ही है और भगवान ने मेरे को ये दिया है। तो जब तक आप ऐसा नहीं सोचेंगे तो आप मैं मेरे में फंसे रहेंगे और वही सब समस्या का कारण बनता है। हमको व्यवहार तो ऐसे ही करना पड़ेगा कि ये मेरा बेटा है, ये नहीं कि कोई पूछे ये किसका है, नहीं ये तो कृष्ण का बेटा है, वो तो समझने के लिए है। भगवान भी तो ऐसे व्यवहार करते थे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा नाती है, ये मेरा चाचा है, ये सब है, नरलीला में उन्होंने दिखाया। तो हमको व्यवहार तो ऐसे ही करना है, लेकिन अंदर हमको ये समझ लानी है, जिसको मैं कहता हूँ ना कि आध्यात्मिक मार्ग में जो है वो भाव महत्वपूर्ण है अंदर का। वास्तव में भौतिक जगत में भी भाव ही चलता है, लेकिन यहाँ लोग क्रियाओं से, वस्तुओं से भ्रमित हो जाते हैं और भाव को भूल जाते हैं। तो ये भाव रखना है, इसी को तो बोलते हैं कृष्ण भावना। ठीक है, चलो अभी अपने श्लोक उच्चारण करते हैं। कहाँ गया हुआ? सर्वोपनिषदो गावो, दोग्धा गोपाल नंदनः, पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता, दुग्धं गीतामृतं महत्, एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः, इच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः, यच्छ्रेयः सान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्, यत्र योगेश्वरः कृष्णो
यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंघ्रये भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तम् नमामि हरिं परम् हरि ओम तत्सत्।